फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? यहाँ पर दो तीन बात हमको समझना है। सबसे पहले फसल चक्रण होता क्या है ये भी समझते हैं, ताकि अगर पूछ दे फसल चक्रण क्या है तो उसका भी आंसर हम लिख सकें। दूसरा बात है मृदा संरक्षण क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, फसल चक्रण है क्या? तो फसल चक्रण का मतलब होता है दो या तीन फसल के बाद या एक फसल के बाद जब हम दलहन या तिलहन की फसल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। सपोज मान लेते हैं हमने गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद हमने मकई उगाया, और मकई उगाने के बाद हमने सरसों उगा दिया, तो ये तिलहन आ गया। गेहूं आया, मकई आया, फिर तिलहन आ गया। इसके बाद मान लो हमने ज्वार उगाया, ज्वार के बाद हमने क्या उगा ले, गेहूं उगा लिया, या ज्वार के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं चना उगा लेते हैं, और चना के बाद हम फिर गेहूं उगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक फसल के बाद क्या है, दलहन है, फिर गेहूं है। तो इस प्रकार से जो खेती करते हैं ना, इसको बोलते हैं फसल चक्रण। ठीक है, यानी फसल को बदल बदल के करेंगे, एक या दो या तीन फसल के बाद हमको दलहन या तिलहन की खेती करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। दूसरी बात है मृदा संरक्षण है क्या, तो मृदा संरक्षण को हम समझते हैं यहाँ से। मृदा संरक्षण, देखो मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को बचाना, मृदा को बचाना। अब मृदा को बचाएंगे, मृदा यानी कि मिट्टी को बचाना, तब सवाल उठता है मिट्टी को कैसे बचाया जाता है, मिट्टी तो खराब होता नहीं है तो मिट्टी को बचाएंगे कैसे। मिट्टी का खराब होने का मतलब होता है उसकी उपजाऊपन कम हो जाना, यानी जो उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाना। और वो कब कम क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, अगर हम देखेंगे मिट्टी में पोषक तत्व यदि कम होगा, ठीक है, कम होगा तो यहाँ क्या होगा, मिट्टी का निम्नीकरण होगा। निम्नीकरण मतलब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता चला जाएगा, यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी। जो भी पोषक तत्व पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, चूना, ये सारा पोषक तत्व मिट्टी में पाया जाता है, अगर इनकी कमी हो जाएगी मिट्टी में तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। अब किन किन कारणों से उपजाऊ शक्ति कम होता है ये भी हमको जान लेना है। तो ये कम होता है हमारा एक ही फसल यदि बार बार करते हैं, एक ही फसल यदि हम बार बार करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है। दूसरी बात है यदि हम चारागाह के रूप में भूमि का प्रयोग करते हैं तो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है, मतलब मवेशियों को चराने के लिए यदि भूमि का उपयोग करते हैं तो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है। बहुत अधिक समय तक यदि जल जमाव रहता है, बहुत अधिक समय तक यदि जल जमाव होता है तो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी खेत को परती भी छोड़ दिया जाए बहुत लंबे समय के लिए तो भी परती छोड़ना, अवश्य परती छोड़ना एक सीजन या दो सीजन के लिए चलो बहुत बढ़िया होता है, उपजाऊपन उसका लौट आता है, लेकिन यदि कई सीजन तक के लिए परती छोड़ दिया जाए, कई सालों तक के लिए परती छोड़ा जाए तो भी उपजाऊ शक्ति इसमें मिट्टी की कम हो जाती है। अब सवाल उठता है फसल चक्रण द्वारा मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। तो हमने फसल चक्रण बताया, फसल को अदल बदल कर और एक या दो फसल के बाद जो है हमको दलहन या तिलहन की खेती करते हैं। अब एक या दो फसल के बाद दलहन या तिलहन की खेती क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दलहन और तिलहन की खेती करते हैं ना और फसल बदल बदल के करते हैं तो इस स्थिति में होता क्या है, मिट्टी की जो पोषक तत्व है ना, फसल चक्रण से क्या होता है भी समझना है हमको। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, क्या बनी रहेगी, उर्वरता शक्ति जो है वो फसल चक्रण से बनी रहेगी, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो फसल चक्रण के द्वारा बनी रहती है ना। अलग अलग फसल करेंगे और दो फसलों के बीच में या तो दलहन उगा ले या तिलहन लगा ले, तो अलग अलग फसल करेंगे तो होगा क्या कि अलग अलग पोषक तत्वों का प्रयोग होगा, एक पोषक तत्व खत्म होगा उससे पहले दूसरा पोषक तत्व आ जाएगा मिट्टी में कहीं ना कहीं से, मतलब पेड़ पौधे के जरिए ही आता है। जैसे दलहन फसलों के जलों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, कौन सा, राइजोबियम। अब ये नाइट्रोजन के लिए उत्तरदायी है,
दलहन यानी कि हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ से आता है। अगर हम दलहन की खेती करते हैं तो राइजोबियम जीवाणु आएगा, और राइजोबियम जीवाणु आएगा तो वो नाइट्रोजन लाएगा अपने साथ, नाइट्रोजन की उत्पत्ति करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फसल चक्रण मिट्टी के संरक्षण में यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये आंसर यहाँ से हम नोट कर सकते हैं।